डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में प्रदूषण के कारण हरे रंग की बारिश हुई, सड़कों का रंग गुलाबी हो गया और नालों में नीले रंग का पानी देखा गया। लेकिन फिर भी डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के सीईटीपी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वसुंधरा अवार्ड दिया गया। ये बात कुछ अजीब नहीं है, आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे की सच्चाई क्या है। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर जो अफवाहें फैली है उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम मेंबर अनघा जी ने कांवा के अध्यक्ष महोदय जी से बात की है, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कल्याण अंबरनाथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर देवेंद्र सोनी साहब, आइए हम उनसे जान लेते हैं कल्याण अंबरनाथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बारे में। कल्याण रीजन में इंडस्ट्रीज की स्थापना 1958 से हो गई थी, तभी शुरुआत में सिर्फ 10 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इधर डोंबिवली एमआईडीसी में जगह उसकी उपलब्धता करके रास्ते, लाइट, पानी, शेड की प्रोविजन कर दी। तो उसके बाद में उद्योग की यहाँ पर उद्योग को यहाँ बढ़ावा मिलने लगा और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप होने लगी। तो उसमें 10 इंडस्ट्रीज, शुरुआत में 10 इंडस्ट्रीज थी, आज 750 इंडस्ट्रीज डोंबिवली में यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 600 इंडस्ट्रीज कामा के मेंबर्स है। पर इधर इंडस्ट्रीज को जब इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को जब इधर परफॉर्मेंस में जो तकलीफें होने लगी गवर्नमेंट की तरह डिपार्टमेंट के, तो उसमें उनकी परेशानियां जो थी वो एक ऐसे लगने लगा कि ये परेशानियां इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाई दे। तब ऐसा लगा कि कामा की एक एसोसिएशन होना जरूरी जो मीडिएटर का काम करे। तब कामा एसोसिएशन का स्थापना हो गई 1959 में। वहां से जिस इंडस्ट्रीज को, किसी भी इंडस्ट्रीज को कोई भी परफॉर्मेंस में कोई परेशानी है तो वो कामा एसोसिएशन में अपने तकलीफें बता देते और जिसपे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के उनके समाधान करने की सुविधा कर देते थे। तब से आज तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज चलाने में आज सुविधा व्यवस्थित होने लगा है और दोनों की तालमेल से इंडस्ट्रीज व्यवस्थित चल रही है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कामा एसोसिएशन इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेशन एमआईडीसी, केडीएमसी, एमपीसीबी, बीच, फायर ब्रिगेड, एमएससीबी, इन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन करती है और उनके समस्याओं का समाधान करके इनके व्यवस्थित चले ये प्रयत्नशील रहे। जैसे कामा का स्थापना हो गई थी उसमें उसी प्रकार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने लगे, तब ऐसा लगा कि एक और एक एजुकेटेड जो सेफ्टी के जो इंचार्ज ऑफिसर थे इनको लेकर के मार्ग म्यूचुअल एड रेस्पॉन्स ग्रुप, इसकी स्थापना कामा के अंतर्गत की गई, जिसके द्वारा सभी इंडस्ट्रीज को इनके क्वालिफाइड सेफ्टी इंजीनियर्स जो रहते हैं वो इंडस्ट्रीज में किस तरीके से स्मूथली इंडस्ट्रीज परफॉर्म हो और एक्सीडेंट से बचा जाए इसकी ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर मार्ग की स्थापना हुई कामा के अंतर्गत। और इंडस्ट्री कामा के इसमें हॉल में हमारे यहाँ पे लोगों को, इंडस्ट्रीज मेंबर्स को हर एक प्रत्येक सेमिनार सेफ्टी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर लिए जाते हैं और उनको फ्री में उनको ये शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि इंडस्ट्रीज में कोई एक्सीडेंट ना हो और कामा जीरो एक्सीडेंट की तरफ ये काम करने के लिए इनका ये सबसे बड़ा एक कदम है। कामा में ईसीसी की स्थापना की गई है, जो पहले ईसीसी सिर्फ थाना में कलेक्टर ऑफिस के यहाँ था, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो कलेक्टर के कलेक्टर उनके हेड होते हैं वहां से सुविधा मदद दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लगने लगा है कि अगर डोंबिवली में ही हो तो वो एक्सीडेंट्स को तुरंत ये कर सकती है, इसके लिए यहाँ पर लोकल इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर अपने कामा में स्थापना की गई है और एक्सीडेंट को जितने हो सके इमीडिएटली उसको अटेंड की जाए ताकि जितने हो सके उतना जल्दी काबू में आ जाए इंसिडेंट। और इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर कामा में बहुत सारी सुविधाओं की अपैरेटस जो लगती है इमरजेंसी के वो सब हमने उपलब्ध की गई है। अभी हाल ही में हम लोग ने ये लिया है इमरजेंसी ऑन साइट इमरजेंसी वैन, ये हमने परचेस किए जिसके अंतर्गत पूरे फायर फाइटिंग से लेके गैस लीकेजेस, उनके लिए लगने वाले फायर सूट, गैस लीकेजेस गैस सूट, एसीबीए गॉगल्स, नेबुलाइजर्स और फिर मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और मटेरियल डेटा सेफ्टी शीट्स, एंटीडोट्स, जो अगर केमिकल से किसी को कुछ तकलीफ होती है तो उसमें कौन से एंटीडोट्स दिए जाने चाहिए उनकी पूरी डिटेल्स इस वैन में दी गई है और जितने हो सके उतने उसके अंदर टेक्निकल क्वालिफाइड इंजीनियर्स उनको सपोर्ट करेंगे, इस टीम उनको ये ऑनसाइट इमरजेंसी वैन को सपोर्ट करेगी। इसमें वॉकी टॉकी रहेगा, पावर बैंक रहेंगे, किसी भी हालत में किधर कोई कमी न रह जाए
कम्युनिकेशन में इसकी भी सुविधा उसमें रखी गई है। कुछ साल पहले कई अखबारों ने बताया कि डोंबिवली एमआईडीसी में हरे रंग की बारिश हो रही है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सही नहीं है। यहाँ पर एक फूड कलर बनाने वाली कंपनी है जिसके बनावट का काम फेज वन में और उनका गोडाउन फेज टू में था। अब फेज वन से फेज टू के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रास्ता खराब होने के कारण लगभग 200 स्क्वायर फुट की जमीन पर ये रंग गिर गया, और जब बारिश हुई तो बारिश के गिरे हुए पानी ने हरा रंग ले लिया। अब जब इस पर लोगों की नजर पड़ी तो अफवाह ये फैली कि डोंबिवली एमआईडीसी में हरे रंग की बारिश हुई है। एमपीसीबी ने इस मामले की जांच की और पाया कि ये कोई हरे रंग की बारिश नहीं बल्कि जमीन पर गिरे हुए फूड कलर का पानी है। फिर भी सरकारी संस्थाओं ने इस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए कंपनी को बंद कराया और ये कंपनी आज भी बंद है। फरवरी 2020 के महीने में डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के फेज टू में गटर का काम जारी था। उस समय एक कंपनी की अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन का चेंबर जेसीबी द्वारा टूट गया। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम अनुसार इस पाइपलाइन से प्राइमरी ट्रीटेड न्यूट्रलाइज पानी बह रहा था। ये पानी अगली प्रक्रिया यानी सीईटीपी में भेजा जा रहा था। ये पानी गुलाबी रंग का था, लेकिन ये पानी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। इस अफवाह की वजह से खबर ये फैली कि डोंबिवली एमआईडीसी से गुलाबी रंग का पानी छोड़े जाने के वजह से सड़क गुलाबी रंग की हो गई है। अगले दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने दौरा किया और एमपीसीबी को मामले की जांच का आदेश दिया। एमपीसीबी ने मामले की जांच की और उसी बीच माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने भी दौरा किया। एमपीसीबी की रिपोर्ट कंपनी के पक्ष में सकारात्मक रही, लेकिन सच को सामने नहीं आने दिया गया। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम अनुसार डोंबिवली एमआईडीसी की सभी कंपनियां डिस्चार्ज किए जाने वाले वेस्ट वाटर को अपने कंपनी के प्रीमाइसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट करके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापकों के नियम अनुसार न्यूट्रलाइज करती हैं, और फिर इस पानी को एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए अगली प्रक्रिया यानी सीईटीपी में भेजा जाता है, और सीईटीपी इसे एक बार फिर से ट्रीट करके खाड़ी में छोड़ने के योग्य बनाती है। आइए डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित सीईटीपी के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी हम आए हैं डोंबिवली फेज वन में। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डोंबिवली बेटर एनवायरनमेंट सिस्टम एसोसिएशन के सीईओ माननीय श्री राजेश दोषी साहब। आइए हम उनसे ही जान लेते हैं सीईटीपी के बारे में। डोंबिवली इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से एमआईडीसी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तक इसे लेकर आती है, और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलाने की जिम्मेवारी दी है। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट करने के बाद जब ऑक्सीजन मात्रा बढ़ती है और प्रदूषण कंट्रोल में रहता है, तब इसे लेबोरेटरी में चेक करने के बाद में ही इसे एमआईडीसी के टंकी में छोड़ा जाता है। वहाँ से एमआईडीसी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से फिर उसे क्रीक में छोड़ती है और इसी तरह प्रदूषण पर कंट्रोल करती है। और इन्होंने यहाँ पर एमआईडीसी और एमपीसीबी ने सेंसर्स लगाए हैं जो कि 2400 घंटा इसमें निगरानी और मॉनिटरिंग करते हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डोंबिवली एमआईडीसी के सभी नाले जहाँ से कंपनियों का पानी छोड़ा जाता है वहाँ कुछ सेंसर लगाए हुए हैं। इन सेंसरों द्वारा एमपीसीबी और सीपीसीबी पानी की गुणवत्ता पर नजर रखते हैं, और यदि कोई कंपनी प्रदूषित पानी निर्वाहन करती है तो उस कंपनी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। साथ ही एमपीसीबी के नए निर्देशों के मुताबिक डोंबिवली एमआईडीसी का पानी खाड़ी के अंदर 7.5 किलोमीटर दूर एक बंद पाइपलाइन के जरिए छोड़ा जाएगा। डोंबिवली एमआईडीसी इस पर काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में कई टेक्सटाइल कंपनियां हैं। इन कंपनियों से निकलने वाला पानी रंगीन होता है। हर कंपनी ये रंगीन पानी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अगली प्रक्रिया यानी सीईटीपी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन के जरिए भेजती है, और सीईटीपी इस पानी को खाड़ी में बहाने के उपयुक्त बनाते हैं। हर कंपनी को प्राइमरी ट्रीटेड पानी कंपनी के बाहर से चेंबर में छोड़ने की इजाजत एमआईडीसी द्वारा दी जाती है। इस चेंबर से पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए सीईटीपी में भेजने की जिम्मेदारी एमआईडीसी की होती है।
अब ये पानी सीईटीपी में ट्रीट किया जाता है और फिर से इस पानी को सीईटीपी से खाई तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी एमआईडीसी की ही होती है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होने के कारण चेंबर में कचरा फंस जाता है जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पाता। इस वजह से चेंबर भर जाते हैं या पाइपलाइन फट जाती है और ये रंगीन पानी सड़कों, गड्ढों और नालों में दिखाई देता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एमआईडीसी द्वारा बदलने की सख्त से सख्त जरूरत है। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित कई भंगार वाले कंपनी से बोरियां उठाते हैं और उन्हें नालों में ले जाकर धोते हैं, जिससे नाले का पानी रंगीन हो जाता है और अफवाह ये फैलती है कि ये रंगीन पानी कंपनी से बाहर निकल रहा है। हमने बायोनेस्ट बायोलॉजिकल इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कामा के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सोनी साहब से बातचीत की, आइए जानते हैं इस बारे में। डुम्बिली इंडस्ट्री एमआईडीसी में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके ट्रेड एफ्लुएंट बहुत ही कम है, जिनके पास 1,000-2,000 लीटर प्रतिदिन रहते, तो उनको हमने कहा है कि आप ZLD अपने यूनिट को ZLD में कन्वर्ट करके ले जाए। ZLD का मतलब है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, उस कंपनी में से एक भी लीटर ट्रेड एफ्लुएंट बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरी इंडस्ट्रीज जो ZLD की तरफ नहीं जा सकते और उनको ट्रेड एफ्लुएंट उनका निकलता है, उनके लिए हमने बायोनेस टेक्नोलॉजी की सुविधा प्रोवाइड की गई है, जिसमें से वो एफ्लुएंट पास करने से उस तरीके की इकोसिस्टम वहाँ प्रोवाइड की गई है, जिसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के वहाँ पे वो प्रोवाइड की गई है, जिसमें से वो ट्रीट होके बाहर निकलने वाला पानी रीयूजेबल होगा और उनके गार्डनिंग वगैरह और उनके सेम प्रोसेस है तो उसमें रीयूज हो सकता है। इस तरीके के पानी की क्वालिटी उसमें से बाहर निकलेगी, तो ये उनके रीयूजेबल होने की वजह से उनके आगे के बिलिंग भी कम हो जाएगी और ये ट्रीट भी एफ्लुएंट भी बराबर ट्रीट होके बाहर निकलेगा। इस बीच डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में कई जगहों पर कई कंपनियों में आग लगी है, ऐसी अफवाह है। आगे कैसी दुर्घटना है जो कि निवासी क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, होटल, जंगल कहीं पर भी लग सकती है। आग का लगना किसी के लिए कोई सुखद बात नहीं है, आग से केवल नुकसान होता है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय या रोजी रोटी को आग के हवाले भला क्यों करेगा? कोई भी व्यक्ति जानबूझकर आग नहीं लगाता, ना ही अपने आप को हानि पहुंचाता है। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड स्टेशन है, मगर उनके पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन यानी अग्निशमक वाहन की कमी है। कई बार उन्हें दूसरे फायर ब्रिगेड स्टेशन से, जो कि एमआईडीसी क्षेत्र से काफी दूर है, वहां से भी अग्निशमक वाहन मंगाने पड़ते हैं या फिर बाहर के पानी के टैंकरों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है और आग बेकाबू हो जाती है। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में फायर हाइड्रेंट का ना होना ये भी एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के फायर ब्रिगेड को दूसरे फायर ब्रिगेड से सहायता लेनी पड़ती है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए कामा अग्निशमन के संदर्भ में कई सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, अग्नि सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और कई मॉकड्रिल आयोजित कर रहे हैं। इससे डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में कंपनियों में आग लगने की दुर्घटना में काफी कमी आई है। हाल ही में ECC यानी इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का भी निर्माण किया गया है। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में कई भंगार वाले हैं। ये कंपनियों से स्क्रैप खरीदते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग अशिक्षित होते हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षा का कोई ज्ञान नहीं होता। ये लोग केमिकल ड्रम, गैस युक्त सिलेंडर तथा विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी में असुरक्षित तरीके से काम करते हैं और अक्सर यहाँ पर विस्फोट होते देखा गया है। मई 2016 में डोंबिवली एमआईडीसी फेज 2 में स्थित प्रोबेस कंपनी में एक धमाका हुआ। एक कर्मचारी द्वारा वेल्डिंग का काम करते समय केमिकल गोदाम में चिंगारी गिरने के कारण यह धमाका हुआ था। ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिससे आसपास के घरों को काफी नुकसान हुआ और काफी जाने भी गई। इस दुर्घटना में कंपनी के मालिक के 2 बेटे और एक बहू का भी देहांत हुआ। इस कंपनी को लेकर कोर्ट में मामला आज भी जारी है। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में पहली बार इस तरीके की घटना देखी गई थी और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसलिए कामा डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित हर कंपनी के हर कर्मचारियों के लिए सेमिनार, प्रशिक्षण और मॉकड्रिल आयोजित करती है। कुछ साल पहले एक अफवाह उड़ी थी कि डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र की कंपनियों की चिमनियों से कोयले की राख उड़ने के कारण डोंबिवली की हवा प्रदूषित हो रही है, लेकिन ये कहानी सच नहीं है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए मात्रा और निर्देशों के अनुसार ही धुएं को हवा में छोड़ा जाता है।
पहले धुएं में कुछ मात्रा में अधजली राख हुआ करती थी, लेकिन अब कई कंपनियां पीएनजी और डीजल का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वे वायु प्रदूषण को कम करने में सफल हो रही हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर कड़ी निगरानी रखते हैं और यदि कोई कंपनी निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उन पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कामा ने एक पायलट बायोनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह परियोजना वर्तमान स्तर में हवा में कोयले की राख की मात्रा को बहुत ज्यादा कम करेगी। हमने बायोनेस्ट एयरफेंट के बारे में कामा के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सोनी साहब से बातचीत की, आइए जानते हैं इस बारे में। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो बायोनेस्ट की ट्रीटमेंट हमने पानी के लिए की गई, सक्सेसफुली होने के बाद में आज हमको रिजल्ट उधर व्यवस्थित मिल रहे। इसके बाद में हमने एक और आगे स्टेप देखने के लिए देखा, तब ये लगा कि चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें से जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो निकलते हैं उनके लिए हमने कुछ करना है। वापस उसी बायोटेक्नोलॉजी पर ही हमने एक नया वेंट डिजाइन किया गया है जो चिमनी के बाहर एक लग जाएगा पैरेलल में, और उसमें से वो पूरा धुआं पास होके जाने की वजह से बाद में उसमें कार्बन पार्टिकल्स, वेट स्क्रबर वगैरह जो जरूरत पड़ती थी आज लोगों को महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की, जो 12-15 लाख के इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो रिजल्ट्स अच्छे होते थे उससे बेहतर रिजल्ट आज उनको 5-6 लाख के इन्वेस्टमेंट में ये डिजाइन लगने के बाद में उनको वो रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। तो इसलिए हमने एक पायलट प्लांट जो है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आज भी कोयला जला के वो उनका बॉयलर चला रहे, उनको LDO फर्नेस ऑयल ये सब नहीं परवड़ता है, उनको आज भी ओल्ड प्रोसेस पे चल रहे, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए हमने ये बायोगैस का वेंट का जो पायलट प्लांट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उनके चिमनी में लगाया है, ताकि इसके रिजल्ट जैसे आज हमको मिलने शुरू हो गए, दैट इज वेरी मच कंप्लाइंट, जो नॉर्म्स है उसे बहुत ही नीचे उनके रिजल्ट्स आज में शुरू हो गए। तो ये अभी हमने पायलट प्लांट के रिजल्ट्स है बाकी इंडस्ट्रीज पे हमने शेयर किया गया है, और उनसे भी अभी हम ये कर रहे हैं कि वो भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने इंडस्ट्रीज को सक्सेसफुली व्यवस्थित चला सके और उनको कोई तकलीफ न हो, इसके प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। डोंबिवली शहर में टू व्हीलर्स, रिक्शा तथा फोर व्हीलर्स वाहनों में वृद्धि देखी गई है। कई जगहों पर कचरा भी जलाया जाता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। साथ ही अंडरग्राउंड वाटर लाइन, अंडरग्राउंड गैस लाइन तथा अन्य कई कारणों के वजह से रास्ते की खुदाई की जाती है, जिससे हवा में काफी धूल उड़ती है और इससे भी वायु प्रदूषण होता है। डोंबिवली शहर में कई जगहों पर नए भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा पुरानी सड़कें तोड़कर नई सड़कें बनाने का काम चल रहा है, जिससे भी हवा में धूल उड़ती है और वायु प्रदूषण होता है। इन सारे मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए केवल डोंबिवली MIDC क्षेत्र की कंपनियों को ही वायु प्रदूषण के लिए निशाना बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डोंबिवली MIDC क्षेत्र में बहने वाले नालों में निर्माण मलबे सहित डोंबिवली क्षेत्र के रेसिडेंशियल एरिया से कचरे या कचरे की थैलियां फेंकी जाती हैं। जब ये नाले भर जाते हैं तो इनसे दुर्गंध भी आने लगती है। कई बार तो कामा ने खुद नालों को साफ करने का काम अपने हाथ में लिया है। कई बार डोंबिवली MIDC क्षेत्र में देखा गया है कि गैर कानूनी तरीके से टैंकर अंदर आते हैं और रासायनिक पदार्थ नालों में छोड़ देते हैं। दुर्गंधी फैलने का यह भी एक मुख्य कारण है। डोंबिवली MIDC क्षेत्र में आने वाले हर रास्तों पर MIDC द्वारा चेकपोस्ट और CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जिससे डोंबिवली MIDC क्षेत्र में आने वाले हर टैंकर पर नजर रखी जा सके, ताकि वो किसी भी तरह का रासायनिक पदार्थ नालों में ना छोड़ सके, और यदि कोई टैंकर इस तरीके की हरकत करता है तो उसे तुरंत MPCB के हवाले किया जा सके। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर बार डोंबिवली MIDC क्षेत्र में जमीनी स्तर का पानी, अंडरग्राउंड वाटर और प्रदूषित हवा की जांच करती रहती है। डोंबिवली MIDC क्षेत्र के उद्योगपति सरकारी टैक्सों के बोझ तले दब गए हैं। डोंबिवली MIDC कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से लगभग 14 साल बाहर थी। हाल ही में डोंबिवली MIDC को कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर ले लिया गया है। इससे महानगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में काफी वृद्धि की गई है। उद्योगपतियों का कहना है कि कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में टैक्स बाकी नगर निगमों की तुलना में काफी ज्यादा अधिक है। उद्योगपति इन टैक्सों में समानता की मांग करते हैं। लगभग 7 साल से कामा इस बात को लेकर महानगर पालिका से लड़ रही है। तमाम टैक्स भरने के बावजूद मूलभूत जरूरत की चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही है,
खराब सड़क, खुले गटर, वन स्ट्रीट लाइट और कचरे जैसी समस्या परेशान कर रही है। सड़कें खराब होने के कारण ट्रांसपोर्टर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही डोंबिवली MIDC के कर्मचारियों को रोज उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण सड़कों पर अंधेरा छा जाता है और आपराधिक समस्या बढ़ जाती है। डोंबिवली MIDC में आज भी गटर का काम पूर्ण नहीं हुआ है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में बिजली की कीमत बहुत ज्यादा अधिक है। डोंबिवली MIDC क्षेत्र में बिजली गुल रहने की समस्या रहती है, इससे कंपनी के उत्पादन पर भी काफी असर पड़ता है। डोंबिवली MIDC क्षेत्र की कंपनियों को जितने प्रेशर में पानी अपेक्षित है, उतने प्रेशर में पानी ना आ पाने के कारण इन कंपनियों के उत्पादन पर काफी असर पड़ता है। डोंबिवली MIDC में कंपनी और रहीवासी क्षेत्र के बीच जो बफर जोन था, वो बफर जोन अब सरकारी संस्था और अन्य कई कारणों की वजह से खत्म हो चुका है। कंपनियों के सामने बकायदा निवासी इमारतें बनाई गई हैं और कुछ इमारतें अभी निर्माण अवस्था में हैं। इन सभी कारणों की वजह से अब कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र राज्य की कंपनियों के सभी प्रकार के टैक्सेस बहुत ज्यादा अधिक है। उद्योगपति इन टैक्सों में समानता की मांग करते हैं। सरकार और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका डोंबिवली को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में डोंबिवली MIDC शामिल नहीं है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के किसी भी बजट में डोंबिवली MIDC के लिए कोई निधि नहीं रखी गई है। यहां से सिर्फ टैक्स वसूला जाता है और सुविधा देते वक्त इनके हाथ अकड़ जाते हैं। ये सब होते हुए भी डोंबिवली MIDC क्षेत्र में कंपनियां, छोटे बड़े उद्योगपति, कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर्स काम कर रहे हैं और इससे उनका उदर निर्वाह चल रहा है। डोंबिवली MIDC क्षेत्र में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कावा संगठन हर साल कई पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। हुए सरकार और डोंबिवली MIDC से निवेदन करती है कि डोंबिवली MIDC क्षेत्र के नालों पर कॉन्क्रीट स्लैब डालकर उन्हें बंद कराया जाए, जिससे लोग उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे और वो चोक नहीं होगा और इससे उसमें से दुर्गंधी भी नहीं आएगी। साथ ही इन जगहों को हम पार्किंग या किसी अन्य अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। कामा हर साल डोंबिवली MIDC क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के सेहत के लिए मेडिकल कैंप और ब्लड कैंप का आयोजन करती है। कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कामा संगठन हर साल इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स का आयोजन करती है। कोरोना काल में कामा संगठन ने डोंबिवली MIDC क्षेत्र में स्थित कर्मचारियों और आसपास के गांव में जरूरतमंदों को अन्न और राशन किट और कोरोना किट बांटे तथा अस्पतालों में PPE किट और बेडशीट मुहैया कराई है। साथ ही कामा ने PM फंड और CM फंड में 4,08,00,000 की राशि प्रदान की है। इस दौरान डोंबिवली MIDC स्थित और कामा के मेंबर्स आरती केमिकल और घारड़ा केमिकल कंपनी ने प्रति कंपनी सरकार को एक एक ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किए, जिनकी कीमत लगभग 1,60,00,000 से अधिक प्रति प्लांट है। और कामा ने कस्तूरबा हॉस्पिटल और हाफकिन इंस्टीट्यूट में 7 वेंटिलेटर्स मुहैया कराए हैं। ऐसे कुल मिलाकर 11,35,00,000 तक की राशि कामा ने समाज सेवा में खर्च की है। इस दौरान कामा के ऑफिस में कोरोना डैश और कोरोना वैक्सीन का भी आयोजन किया गया था। यह सराहनीय काम देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब ने कामा की प्रशंसा करते हुए कामा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर देवेंद्र सोनी साहब को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हर साल महाराष्ट्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय और MPCB की सहायता से महाराष्ट्र राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छा काम करने वाले CETP को सम्मानित करती है। जो CETP इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर वेस्ट तथा प्रदूषित हवा को सही मायने में ट्रीट करके पर्यावरण को संतुलित बनाने में सहायता करती है और साथ ही वृक्षारोपण और पर्यावरण उपयुक्त कार्यक्रम आयोजित करती है, ऐसे CETP को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वसुंधरा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है।
महाराष्ट्र राज्य के 26 सीईटीपी प्लांट में से डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के डोंबिवली सीईटीपी को पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और उन्हें वसुंधरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसी भी कंपनी को शिफ्ट करना एक बहुत ही महंगा मामला है। हर कंपनी का अपना एक सेटअप सेट होता है। यदि इन कंपनियों को शिफ्ट किया जाए तो उस सेटअप को दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा समय जाएगा और कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र की कंपनियों को शिफ्ट करने में जो खर्च सरकार उठाएगी, यदि वो खर्च वो डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र की कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन, गटर, नाले और रास्ते इत्यादि पर करे तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के कर्मचारी विस्थापित हो जाएंगे। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जब कोई भी उद्योग शिफ्ट हो जाता है तभी वहाँ के जो लोकल लोग है वो इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें नया रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग वहाँ जॉब के लिए जाएंगे तो वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऐसी कंडीशन में वहाँ संघर्ष की स्थिति निर्माण हो जाएगी। लगभग 30 साल से लोग हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अभी भी स्वस्थ है। उनका हर 6 महीने में मेडिकल चेकअप होता है और स्वस्थ पाए जाते हैं। फिर भी अगर बाहर के कोई लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ बीमारियां है तो हमें नहीं लगता कि ये कंपनी के वजह से होते। जब हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे तो जिंदगी की शुरुआत दोबारा करना पड़ेगी, ये ना उनकी नहीं। मैं 30-35 साल से इधर सर्विस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग इधर पढ़ रहे हैं, मैं होम लोन लिया है, तो मैं दूसरा जगह पे सर्विस के लिए कैसे जाएगा। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र की कंपनियों पर निर्भर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टर्स को सबसे अधिक नुकसान होगा। अन्य राज्य डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र की कंपनियों को रेड कार्पेट डालकर बुला रहे हैं। ऐसे में यदि ये कंपनियां वहां शिफ्ट हो गई तो अपने राज्य का रोजगार किसी और राज्य में जा रहा है, इस बात का अफसोस जताने से कोई फायदा नहीं रह जाएगा। डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र की कंपनियों को शिफ्ट करना ये किसी भी तरह का उपाय नहीं है। यदि कोई समस्या है तो बैठकर बातचीत करके उस समस्या का हल निकाला जा सकता है।